फिरोजाबाद में आगरा के सीमेंट कारोबारी के घर डाके की योजना थी। पुलिस ने इसे अंजाम देने से पहले ही चार बदमाशों को दबोच लिया। बदमाशों में एक मथुरा, दो अलीगढ़ और एक मैनपुरी जिले का है। इनमें एक फौजी भी शामिल है। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शातिरों की योजना आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी सीमेंट कारोबारी संजय अग्रवाल के घर डाका डालने की थी। इन्हें कारोबारी के चालक रहीस से जानकारी मिली थी कि उनके घर रोजाना लाखों रुपए का कैश रहता है। बदमाशों में हरेंद्र सेना का जवान है जो द्रास सेक्टर में तैनात है, लेकिन तैनाती स्थल से गायब चल रहा है। करीब 25 लाख रुपए कर्ज चुकाने के लिए वह योजना में शामिल हुआ। ये 5 लुटेरों के द्वारा आगरा में श्री संजय अग्रवाल नाम के एक बड़े सीमेंट के व्यापारी हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, उनके यहाँ कल देर रात एक बड़ी डकैती की वारदात होनी थी, जिसमें पूरी सूचना थी कि करीब 50 से 60 लाख रुपए उनके घर में मौजूद हैं और उनके घर में व्यक्तियों की संख्या कम है। साथ ही साथ उसका इन व्यापारी का जो ड्राइवर है उसका नाम रहीश है, जिसको तकरीबन एक महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया। इसी ड्राइवर ने पूरी मुखबिरी की और चार लोगों को और शामिल किया, जिसमें एक फौजी हरेंद्र नाम का फौजी शामिल है जो मैनपुरी ज़िले का रहने वाला है, एक अभियुक्त है जो कि मथुरा सुरीर थाने का रहने वाला है और दो अभियुक्त अलीगढ़ थाना गोंडा के रहने वाले हैं। इन चारों को मिला के 5 लोगों का एक बड़ा गैंग तैयार हुआ। इसमें जो भी बाधक बनता उसको गोली मार देने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। इनके कब्जे से 3 असलहे बरामद हुए हैं, एक चाकू भी बरामद है और 8 कारतूस बरामद किए गए। इनका पूरा प्लान यही था कि ये श्री संजय अग्रवाल सीमेंट के जो व्यापारी हैं उनके घर डकैती डाल के 7 लाख रुपए लूट करने की घटना थी, जिसका फिरोजाबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके एक बड़ी घटना होने से बचा लिया है।